हेलो फ्रेंड्स, जय बा बगलाऊ खिजंदवा से। पता है आज मैं इतनी खुश हूँ मेरे काम से, क्या बोलूँ मैं। मुझे अपने आप को ही अवार्ड देने का मन कर रहा है। मतलब ये जो मैंने अभी पिछले पूर्णिमा को मुठ मारी थी, जो 52 वीर की मुठ मारी थी, और अभी जो कल मैंने विद्या मारण क्रिया किया है, आई स्वे वो ऐसा जाके असर किया है ना, मैं तो आपको क्या बोलूँ। हर जगह से, चारों तरफ से एक ही मैसेज आ रहे हैं, कोई बीमार पड़ गया। जो मेरे ग्रुप, जो मेरे टारगेट में थे 15-16 जन, सबकी हेकड़ी निकल चुकी है। जो मुझे केस करने की धमकी देते थे, वो आज की तारीख में पलंग पे सोए पड़े। कितनों को तो भगवान ने 2-2 महीना पलंग से उठने और कहते ना घर से निकलने को मना कर दिया। अभी सोचो, अभी भी तो भी कहते ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, लेकिन अभी भी अकड़ कम नहीं हो रही है। एक बार भी ऐसा नहीं सोच रहे कि अभी तो सिर्फ रूम घर के अंदर बंद होने की नौबत आई है। हो सकता है कि ये अमावस्या तक कहीं ऊपर का टिकट ना कट जाए। बहुत अच्छा, मतलब मैंने बोला ना आपको, जो 52 वीर मेलड़ी माँ का 52 वीर मैंने मुठ मारा था, वो एकदम परफेक्ट जाके लगा है पूर्णिमा के दिन। और अभी का बाकी का काम अमावस्या को होगा। और अभी कल मैंने जो विद्या मारण जो किया है, मैंने बोला ना, उसके बाद कोई बच नहीं सकता। एक ही बार में जोरदार झटका लगा है। और आज मेरे को अचानक से मेरे 4-5 लोगों से बात हुआ, और 4-5 लोगों से बात होने की वजह से पता चला है कि सबके यहाँ धीरे 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 सुराख के जैसे असर चालू हो गया। मैंने पहले ही कहा था, अघोरियों से पंगा मत लो। तो भी अभी तक किसी में अकड़ नहीं जाती है। कोई हमें कहते हैं हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, केस कर देंगे। करो केस करने के लिए, कोर्ट तक आने के लिए, लड़ने के लिए तुम लोग जिंदा तो बचने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी हस्ती वस्ती सब मिट जाए, ये बात सोच लो। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने क्या कहा, मेरा मारण क्रिया का धीरे 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 सुराग जहर बन के नसों में जाएगा और धीरे धीरे आदमी को ब्लास्ट कर देगा। पैसों से ख़त्म, चीज़ों से ख़त्म, तबीयत से ख़त्म, शरीर से ख़त्म, सब जो भी जो उल्टा बोले ना, सबकी धीरे धीरे खबर आ रही है। मैं ये वीडियो आप लोगों को काम लेने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बता रही हूँ कि अभी सिर्फ 2-4 लोगों से बात हुई है, जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, और उनसे बात हुई तो पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आज की तारीख में कितनी जगहों पर ट्रीटमेंट चालू हो गया है। तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा सोचो, ज़बरदस्त सीन होगा। ये तो छोड़ो, जितने लोगों ने पूजा पाठ करवा के पूजा पाठ का अपमान किया है ना, उनका क्या हाल होगा। अभी तो कल अमावस्या तक तो जो लोग बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, उनके बच्चे भी हॉस्पिटल पहुंचने वाले, उनका क्या होगा सोचो। अभी तो मैं अजमेर शरीफ पहुंची भी नहीं हूँ। अभी तो मैं परसों का काम करूंगी और अजमेर शरीफ पहुंचूंगी, क्योंकि अजमेर शरीफ में पूर्णिमा का पूजा वहीं करना है ऐसा। और सच बोलूँ, थैंक यू सो मच, 100 लड़कियों की शादियों का फंड बहुत अच्छा जमा हुआ है। जितने लोग भी मेरे ग्रुप में हैं, सबको 20 तारीख को उनकी गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। और सब सारे ग्रुप वालों ने मुझे प्रॉमिस किया, जिस तरह से 100 लड़कियों की शादी है ना, 100 लड़कियों के लिए बहुत बहुत अच्छा टारगेट आने वाला है। सैलानी बाबा जाके भी मैं सबको देने वाली हूँ। काड़ूबाई में भी जो भाई मुझे इस होटल में मैं रुकती हूँ भाई, सबको गाड़ियों का फ़ायदा देने वाली हूँ। धावजी पाटिल में एक गाड़ी देने वाली हूँ, सबको एक एक गाड़ियों का गिफ्ट और उनको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इन सारे कामों में सबसे ज़्यादा साथ उन सब ने दिया है। थैंक यू सो मच। मैं जाने वाली हूँ, सबको उनका तोहफा देने वाली हूँ। और इस बार तो बड़े धूमधाम से मैं अपने, कहते ना, ख्वाजा जी को चादर चढ़ाऊंगी, ऐसी बात है। गरीबों में लंगर बांटूंगी, सब काटूंगी, कि मेरे मुंह की लाली रखी है। जो मेरे मुंह की लाली रख के मेरी शक्तियों ने कमाल दिखाया ना, वाह। और अभी बारिश भी आने वाली है आजकल में, मज़ा देखो क्या होगा। बहुत धमाकेदार होने वाला है सीन। आप लोगों ने दूसरों को तकलीफ दी है ना, आप लोगों के घर में तकलीफ चालू हो गई। और जो तकलीफ चालू हुई है ना, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने अपने पूजे की ताकत दिखाई, मैंने अपनी ताकत दिखाई। मेरे साथ मेरे सैलानी बाबा, मेरे कहते ना मेरे सैलानी दरगाह वाले, मेरे बांडरची काड़ूबाई, धावजी पाटिल, हाजिदा, सुनीता, और भी जो जो लोग सब जुड़े हैं ना, सबके साथ और साथ में मेरी शक्तियाँ, जितने लोगों ने भी मुझे इस तरह का फ़ायदा दिलाया है ना, सबको उनकी बराबरी का हिस्सा सबको मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अभी भी जो लोग मारण क्रिया करवाने वाले हैं, करवाए ना करवाए, करवाएंगे तो उनको तो परसों ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब शक्तियाँ पूरी एक्टिव हो गई। अब मुझे टाइम नहीं चाहिए, ऐसी बात है। बहुत अच्छा रिजल्ट सबका आया है, बस सारी चीज़ें ठीक हो गई है। पैसों से भी ठीक हो गया है, पैसों से भी कोई टेंशन नहीं, सारी चीज़ों कोई टेंशन नहीं, बस अब
ये मैंने ये करके दिखाया है कि जो मेरे तक आने की कोशिश करते हैं, मेरे परिवार तक आने की कोशिश करते हैं, मैंने उन लायकी का ही नहीं छोड़ा कि वो घर के बाहर निकल सके, गंदी से गंदी बीमारी। और अभी तो अगले महीने से, मैं तारीख बता रही हूँ, अगले महीने 10 फरवरी 2024 से लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसी बात है। और वो लॉकडाउन रहेगा 10 अप्रैल तक, क्योंकि वो सरकार करने वाली, मैं नहीं कर रही हूँ। ये तो अभी इसलिए रोका गया है, बहुत सारे जनों को लग रहा है कि राम जी की स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली राम मंदिर में, इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत, हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे राम जी की राम प्रतिष्ठा होने वाली, इसलिए तो। लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, जितने लोगों ने खिलवाड़ किया उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। अभी तो 22 तारीख बहुत लंबे है, अभी तो बीच में अमावस्या आ रही है, सब कुछ हो रहा है, कुछ तो होगा, बड़ा होगा और बहुत धमाकेदार होगा। मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बोलूँगी, ये मत सोचिए कि मैं आपका नाम नहीं ले रही तो आप पर ध्यान नहीं, आप पर ध्यान है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी बहन को भूल गए, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे भूले नहीं है। और मैं ये सब अपनी पहचान और किसी से जुड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये साबित करने के लिए कर रही हूँ कि मैं एक बेस्ट अघोरी हूँ और मैं जो कर सकती हूँ और मैंने जो करके दिखाया है, इस दुनिया को कोई तांत्रिक और पंडित नहीं करके दिखा सकता। जितने लोग पूजा चालू करा के लोगों पे मुठ मरवाते, बाद में उसका प्रोसीजर पूरा नहीं करते, वो सारी चीज़ें उन पे खुद पलट के आएगी। बस थोड़ा सा वेट करो, मज़ा देखो। जय माता दी।